नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका सेंट्रल डिबेट में। गोवंश की हिफाजत योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकता में रहा है। मुख्यमंत्री ने गोवंशों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून भी बनाए हैं। सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोवंशों की रक्षा के लिए साल भर में 250 करोड़ रुपए की भारी रकम भी आवंटित की। बजट की अलग से व्यवस्था के लिए सरकार ने काउ सेस भी लगा दिया। योगी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा करते करते उत्तर प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां गोवंश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया। लेकिन इन सब की कवायतों के बावजूद आज भी गायों का हाल बेहाल है। साल 2019-20 के लिए पेश बजट में गोवंश कल्याण के लिए विभिन्न मदों में करीब 631.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जिलों में डीएम, ग्राम प्रधानों और निगम अधिकारियों की सीधे जिम्मेदारी भी तय की गई कि अगर लापरवाही हुई तो खैर नहीं। लेकिन एक नजर हालातों पर भी डाल लेते हैं तो शहर शहर हालात नाजुक हैं। बांदा में भूख और ठंड से अब तक 605 गोवंशों की मौत हो गई है। सारी सुविधाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा। वाराणसी में दर्जनों गोवंशों की मौत हुई है। अस्थायी गौशाला है यहां पर, क्षमता से ज्यादा गोवंश यहां पर रखे जा रहे हैं। सीतापुर में लापरवाही बदस्तूर जारी है। गौशाला से 59 गोवंश गायब मिले हैं, जांच की गई जब। कानपुर में एक गोवंशीय की मौत रोजाना हो रही है। हर दिन 30 रुपए का बजट यहां पे आवंटित है। प्रयागराज में ठंड से गोवंशों की मौत हो रही है। जिम्मेदार कम बजट का दावा कर रहे हैं, इस चीज का आश्वासन दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। सुल्तानपुर में गौशालाओं की स्थिति बदतर है। 233 जानवरों की मौत हुई है। खीरी में गोवंशियों का बुरा हाल है। बीते 8 महीने में 237 गायों की मौत हुई है। इटावा में गोवंश बर्बाद कर रहे हैं खेती। 77 गोवंशों की यहाँ भी मौत हुई है। देवरिया में 26 गौशालाएं होने के बावजूद सड़कों पर घूमते हुए गौवंश नजर आते हैं, मवेशी नजर आते हैं। अम्बेडकर नगर में भी देखरेख का अभाव है, छुट्टा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके अलावा कई और भी जगह हैं जहां पर हालात कहीं ना कहीं नाजुक कहे जा सकते हैं। बीती 5 जनवरी को लखनऊ में चिन्हट के पश्चिम गाँव आश्रय केंद्र पर देखरेख न होने से 2 गौवंशों की मौत हो गई थी। 4 जनवरी को बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के ग्राम पंचायत हरजतपुर की गौशाला में मवेशियों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारी मौके पर पहुंचे जहां उन्हें 2 गोवंश मृत हालत में मिले जबकि 5 मरणासन्न स्थिति में पाए गए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है और लगातार पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर इतना सचेत है, इतना सजग है। बांदा जिले के पैलानी तहसील की खपटिया गाँव की सरकारी गौशाला में एसडीएम के निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां मृत गौवंशों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे और जीवित बच्चे गौवंश भूख प्यास से बिलखते हुए देखे गए। 3 जनवरी को बांदा में ही गौशाला पर हाई टेंशन तार गिरा, 21 गायों की मौत हो गई। इससे पहले सरकारी गौशाला में ठंड और भूख से 2 दिन में 30 से ज्यादा गायों की मौत हुई। बीती 27 दिसंबर को ललितपुर के अलग अलग गौशालाओं में भूख और ठंड की वजह से 30 से ज्यादा गायों की मौत हो जाती है। 1 महीने पहले हरदोई की एक सरकारी गौशाला में बीते 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो जाती है। वजह चारे की कमी बताई गई, बारिश में भीगना बताया गया। नवंबर के महीने में बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, पशु आश्रय गृहों में गौवंशी पशुओं की मौत का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि 9 महीने में जिले में 600 से ज्यादा गौवंशियों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर स्थितियां हम आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं किस तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में गायों को लेकर हैं। और तमाम जगह पर हमने हिंसा भी होती हुई इस चीज को लेकर देखी है। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में गौकशी के शक में ही हिंसा हुई थी जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बाहर निकले तो राजस्थान के अलवर में 9 नवंबर 2017 की रात को गोविंदगढ़ थाना इलाके में गौ तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। कथित गौरक्षकों ने उमर खान नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 5 अप्रैल 2017 को पहलू खान की इसी मामले को लेकर गौरक्षकों ने ही हत्या कर दी थी।
3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में गौकशी के मामले में ही हिंसा हुई थी। ये तो उत्तर प्रदेश का ही मामला था। राजस्थान के अलवर के बहरोड़ में 1 अप्रैल 2017 की शाम को ऐसा ही एक घटना होता है। गौरक्षक दल और भीड़ मिलकर गौ तस्करी के संदेह में लोगों को रोकते हैं। वहां पर भीड़ जो है मारपीट भी करती है उन लोगों के साथ। 28 सितंबर 2015 को ग्रेटर नोएडा के एक व्यक्ति अखलाक नाम के शख्स को गौमांस रखने के आरोप में जो है मारा पीटा जाता है। यानी कि एक तरफ गौकशी का शक और हम देख रहे हैं कि वहां पर मारपीट हो रही है लोगों के साथ, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रदेश में गायों का क्या हाल है। जो उनके लिए आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, कथित आश्रय केंद्रों में किस तरह से वो रह रही हैं, वो भी एक देखने वाली स्थिति है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, एपी ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, अरुण राजभर जी सुभाषपा से हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र मौर्य जी प्रसपा से हमारे साथ हैं, प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम कहने को कुछ भी कह लें, कितना भी बजट एलोकेट कर लें, लेकिन गाय सड़क पर लखनऊ के अंदर घूमती हुई आपको मिल जाएंगी। अन्य प्रदेशों में जो आश्रय केंद्र बनाए गए हैं उसमें सैकड़ों गायों गौवंशियों की मौत हो रही है, उसको लेकर कोई क्या देख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है इसको लेकर मारपीट भी होती है, हमने कई मामले सामने आपके रखे। कुल मिलाकर स्थिति को किस तरह से आंक रहे हैं आप? हिमांशु जी, ये गोवंश जो सड़कों पे आप देख रहे हैं ये आसमान से तो नहीं उतरे हैं, ये हमारे ही आप जैसे किसी किसान के किसी भाई के गोवंश हैं। और इसकी समस्या को अगर समझना है तो इसके थोड़ा तफसील में जाना होगा। सर्वप्रथम ये समस्या बुंदेलखंड से शुरू हुई। बुंदेलखंड में इसको अन्ना प्रथा बोलते हैं। वहाँ पे एक सीजन में वो जानवर बांध के रखते हैं, एक सीजन में छोड़ देते हैं। और हालात इतने बदतर हो गए थे अन्ना प्रथा के कारण बुंदेलखंड के कि आप सड़कों पर वहाँ आसानी से गुजर नहीं सकते थे, वहाँ सड़कों पर जानवर मिलते थे और पशु तस्कर इनको उधर से हाँक के लाते थे। इलाहाबाद में यमुना क्रॉस कराते थे, गला इनका ऊपर बांध देते तो नाव के सहारे इनको तैरा करके लाते थे। इलाहाबाद में एक तारापुर एक जगह है वहाँ उतारते थे। वो जगह स्पेशली आती है चायल थाने के अंतर्गत विधानसभा में, और लेकिन वहाँ से वो पास करा करके इलाहाबाद पश्चिम के एरिए से कुछ गाँव में गोकशी होती थी, कुछ गाँव में उनको बंद करके सीधे इलाहाबाद से कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश के लिए रवाना कर दिया जाता। मौतें क्यों हो रही हैं और घूम क्यों रहे हैं, ये सवाल है। जाइए, पूरी पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी, हम पशु तस्करी रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे। हमने जगह जगह गो सेवा आश्रय स्थलों की स्थापना कराई। हर ग्राम सभा में जहाँ तक हमारा प्रयास रहा गो सेवा स्थल बने। सरकार ने अपने स्तर से पूरी ईमानदारी बरतते हुए प्रति पशु 900 रुपए महीने का आवंटन किया, उनको चारा मिल सके। और तो और जो वहाँ पे पकड़ में कोई अन्य पशु आ रहे हैं उसमें अगर अच्छे पशु हैं, कोई किसान भाई उसको ले जाना चाहता है तो उसको देने का काम भी सरकार कर रही है, उनको भी 900 रुपए दे रही है। बजट नहीं एलोकेट किया, बजट तो एलोकेट किया गया 19-20 के लिए 631 करोड़ रुपए, लेकिन वो बजट कहाँ है? क्योंकि आज का अखबार जो है इस चीज से भरा पड़ा है, उसमें जगह जगह की तस्वीरें निकली हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा भी रहे हैं कि कितने कहाँ पर मौतें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, किसकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी तय है कि नहीं कि यहाँ पर हर चीज हवा में ही होती रहेगी प्रदेश के अंदर? देखिए हिमांशु जी, इसमें जो गो सेवा आश्रय स्थल हैं ग्राम सभा स्तर पर, इसमें प्रधान जी जिम्मेदार हैं, ग्राम सचिव जिम्मेदार हैं, वहाँ पर मौजूद चौकीदार जिम्मेदार हैं। ये सब लोगों को वहाँ की व्यवस्था दी गई है ताकि गायों का भोजन पानी लखनऊ के अंदर घूम रही है, उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में? जहाँ जहाँ पकड़ी जा रही है नगर निगम उनको पकड़ के ले जा रहा है और भारी जुर्माना उनको काना उपकोना आदि स्थलों पर बंद करके वसूला जा रहा है, जो उनके गोपालक उनको वापस लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, सरकार के स्तर पर कार्रवाई में कहीं कोताही नहीं है। नीचे टहल रही है गाय, वो किसकी है, कौन उनको लेके जाएगा, कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है? अभी कोई गाड़ी से वो टकरा कर कोई हादसा हो जाए तो फिर वहां पर गौरक्षक पहुंच जाएंगे मारपीट करने के लिए, लेकिन वो टहल रही हैं, गौरक्षक तब नहीं जाएंगे कि उनको उठा के कहीं सही जगह पर रखाए जाके पहुंचाए जाके? हिमांशु जी, ऐसा नहीं, गांव में भी अगर आवारा पशु कहीं घूमते मिल रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के पशु खुले घूम रहे हैं
तो गाँव में भी किसान 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला रहे हैं और जानवर पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर हजरतगंज क्षेत्र में जो कि सबसे वीआईपी है, वहां पर तरह तरह के जो है बड़े बड़े मॉल्स हैं, तरह तरह की चीजें बहुत विकसित, उसे कहते हैं मेट्रो, वहां से गुजरती है। मैं वहां पे गाय देख के आ रहा हूँ, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल देखा होगा, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। अगर हमने आवारा पशु देखे तो हमको नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पे, या नहीं नंबर याद है तो आप पुलिस के 112 नंबर पे डायल करके तो बता दीजिए। प्रशासन आपने खड़ा कर रखा है, उसको क्यों फीस दे रहे हैं? क्या जो यहाँ पे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके आंख में पट्टी बंधी हुई है, कह दीजिए पट्टी बंधी हुई है, वो अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम ही लोग सारी व्यवस्था कर लेंगे। हिमांशु जी देखिए, कोई ऐसा नहीं कि वो देख करके नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके जो दस्ते हैं नगर निगम के, जहाँ उनके सामने जानवर पड़ रहे हैं या उनके संज्ञान विषय आ रहा है, वो जाके उठा रहे हैं। ऐसा नहीं, जानवर पकड़े जा रहे हैं, जियामऊ में पकड़े गए। अभी आप जहाँ गाड़ी खड़ी करके आए होंगे वहां पे चार पांच लोग, चार पांच गाय खड़ी होंगी, आपने तो फोन करके नहीं कहा होगा? नहीं, अगर मुझे दिखती तो मैं जरूर फोन करता, मुझे दिखती नहीं। अच्छा, तो मेरी ही नजर दिखती है, बाकी कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं देख पाता, किसी आपके जो कार्यकर्ता जो गौर रक्षक हैं उनको नहीं दिख पाती, सिर्फ हम ही लोगों को दिखती हैं सारी चीजें। नहीं नहीं, जहाँ जिसकी निगाह पड़ रही है, अगर आप उसको फोन कर रहे हैं तो उनके लोग आके उठा ले जा रहे हैं और उनको बंद किया जा रहा है, फिर अगर उसका जो मालिक वो भी लेने जा रहा है कहीं, ये सिर्फ हवा हवाई बातें, हवा हवाई नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, क्योंकि असलियत से मैं खुद वाकिफ हूँ, इसलिए मैं बिना देखे समझे बिना सोचे नहीं बोल रहा हूँ और सही बात बोल रहा हूँ। मैं 500 गाय को रोज आता हूं, रोज देखता हूं वहां पर वो खड़ी रहती हैं। किस दिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं उस दिन आप कह देते हैं बहुत कार्रवाई हो रही है, वो चीजें नहीं बदलती, ये एक दुर्भाग्य है। एपी ओझा जी, डेली आप कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, शहर से निकलते होंगे, शहर में कहीं ना कहीं जो है हर कोई व्यक्ति जो है इधर उधर जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी नजर में कोई ऐसा जगह ना पड़े जहां पर गाय पॉलिथीन खाती हुई ना मिले, कूड़ा कबाड़ा वहां पर ना पड़ा हो और सड़क पर घूमती हुई ना मिले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये है कि किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी स्कीम की सफलता के लिए प्लानिंग, प्लान और एग्जीक्यूशन और उसके बाद फॉलोअप, अगर इनमें कहीं भी कोई कमी है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अभी जो आपने हजरतगंज की बात बताई और विवेक जी ने यह कहा कि जिसकी नज़र पड़ी वो कह दे, 150 पुलिस वाले वहाँ रहते हैं हर समय और वहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ दिन भर गाड़ी उठाती रहती हैं, तो किसको फोन करने की आवश्यकता है? सवाल इसका नहीं है, जो पैसे दिए जा रहे हैं वो खर्च कहाँ हो रहे हैं, कौन उसकी जिम्मेदारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी, आज तक कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स पे कार्रवाई हुई, क्यों जिस जिले में गायें मर रही या जिस जिले में सड़क पे पूरे पूरे, आज गाँव की स्थिति तो यह है कि लोग अपने खेतों को बटाई पर देना शुरू कर दिए क्योंकि वो रक्षा नहीं कर सकते अपने फसलों की आवारा पशुओं की वजह से। और जहां तक रही गोरक्षा दल की आप बात कर रहे हैं, दरअसल ये तो वसूली गैंग है, इसको गोरक्षा से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है, वो इसको एक वसूली का साधन बनाए हुए हैं और जहां उनको वसूली दिखती है वो केवल वहीं दिखते हैं। सरकार की मंशा में कमी नहीं है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बुरी तरह फेल है। नहीं, हम योगी आदित्यनाथ जी को ये कह सकते हैं कि उन्होंने इतना बजट एलोकेट कर लिया लेकिन नीचे के लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या यहां से कोई अधिकारी गुजरता नहीं है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इधर से नहीं गुजरता होगा हजरतगंज से, हर कोई गुजरता है, उस चीज को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या योगी जी ने जो एक पहल की है वो खुद हम उनको जो है कई बार गायों के साथ उनको खाना खिलाते या फिर चीजें देख चुके हैं, इतनी हमदर्दी है उनके अंदर, लेकिन ये अधिकारी हैं कि उस चीज को मजाक में लिए हुए हैं। लेकिन उन अधिकारियों पर भी तो लगाम कसने की जिम्मेदारी योगी जी की है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र मौर्य जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पे घूम रही हैं गाय, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मारने धाड़ने चले आएंगे लेकिन उनको सही जगह पे पहुंचा पाए, और सही जगह पे पहुंचाएंगे क्या? आश्रय गृह में क्या इतनी जगह है? आश्रय गृह में जगह ही नहीं है, वहां पर खुद ही मर रही है इतनी सारी गाय, आप उनको वहां ले जाएंगे तो वहां भी मर जाएंगी वो। हिमांशु जी, जब भी कहते हैं कभी बात शुरू होती है, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जिस जाको काम वही को छाजे और करे तो डंडा बाजे। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी यही बात कही है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो काम था उन्हें वही करना चाहिए था, उन्हें मंदिर में बैठ करके केवल धर्म का कहते विकास करना चाहिए था, उसी से जुड़े हुए कार्यक्रम करने चाहिए थे, वही वो कर रहे हैं। वो चाहे कहते वहाँ अयोध्या में दीपक जलाने का मसला हो, चाहे गोवंश को बढ़ाने का मसला हो, क्यों इस पर तुले हुए हैं एकदम ये करने के लिए? क्या इससे पहले हमारे प्रदेश के अंदर गोवंशों की वो नहीं हो रही थी?
क्या गोवंश नहीं थे और उनकी इतने बुरे हालात नहीं थे। आप जब किसी चीज़ को एक रिजिड वे से कहते हैं बांध कर रख देते हैं और उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यही हालात होने वाले हैं जो आपके सामने हैं और जिनका आप कहते हैं बखान कर रहे हैं कि हर जिले के भीतर 300-500 कहते हैं गोवंश जो हैं हर महीने मारे जा रहे हैं। ये जो बंदर माठ है इसके लिए कहते हैं ऊपर से नीचे तक कहीं कहते हैं उसका ना तो कोई मॉनिटरिंग है और ना किसी तरह की है, केवल आंकड़ेबाजी की जा रही है। और जहां तक अभी विवेक भाई ने यह बात कही थी कि कहते हैं जैसे सूचना मिलती है 112 पर कह दीजिए बस कहते हैं उठाकर ले जाते हैं, कहीं कोई उठाने नहीं आ रहा है। यहाँ वो जीएमओ की जो उदाहरण दे रहे हैं वो उन लोगों को ले जाए जा रहे हैं जिनके अच्छे जानवर हैं, जो यहाँ दुग्ध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं जिनके सहारे हमारे प्रदेश की कहते हैं हमारी राजधानी का 40-50% लोगों को दूध मिलता है, उनके बच्चों को दूध मिलता है, उनके आप बंधे बंधाए जानवरों को वहां से उठाकर लाते हैं यह कह करके कि उधर मुख्यमंत्री जी का कहते आदेश हुआ है और उनसे वसूली हो रही है, उनसे 20,000 कहते हैं के दर से कहते हैं वसूली की जा रही है कहते हैं इसमें रख करके जानवरों की। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि जिनको आप अन्ना कह रहे थे ऐसे जानवरों को जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो आवारा हैं, जिनका कोई मेरा मालिक नहीं है, जिनको कोई कहते हैं पूछने नहीं आ रहा है, सरकार को उसकी चिंता करनी थी, उन्हें उठा कर ले जा करके कहते हैं कान्हा उबन में रखना था। वो कान्हा उबन में वो जानवर नहीं रखे जा रहे, कौन ले जाए जा रहे हैं? वो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो अपने जानवरों की चिंता कर रहे हैं लेकिन वो कहीं मतलब जहां पर रह करके काम कर रहे हैं उनके यहां से उठा ला रहे, इसलिए कि आपको राजधानी के भीतर जानवर नहीं चाहिए। तो जानवर नहीं चाहिए के लिए सबसे पहले जिसका राजधानी में रोज आमना सामना हो रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन जानवरों को उठाने की जरूरत थी जिन्हें कि कतई नहीं उठाया जा रहा है और केवल उस पशुपालकों के कहते जानवरों को उठाया जा रहा है, जिसके लिए हमारी पार्टी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी एक बड़ा प्रदर्शन किया था और तब जाकर के थोड़ा ढील मिला, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे पास एक दुग्ध देने वाला व्यक्ति आता है उसके कहते हैं 20 जानवर उठा ले गए और उन 20 जानवरों पर आप 20,000 के दर से कहते हैं उन पर जुर्माना लगा रहे हैं, जिसने जो उससे अपना जीवन यापन कर रहा है उस पर 20,000 जुर्माना कहां तर्कसंगत है, लेकिन जो जानवर सड़क पर छुट्टा घूम रहे हैं उनके लिए कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई नहीं उठा रहा है। कहने की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1% भी मतलब नगर निगम की गाड़ियां ऐसे जानवरों को नहीं उठा रही जो छुट्टा जानवर है। प्रेतवाल जी, क्या चुनाव तक ही हर चीज सीमित है? जब चुनाव आएंगे तब हम हर तरह की सुविधाएं देंगे, अपने वादों पर अमल करने की कोशिश करने में जुड़ जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद हम सिर्फ बातें करेंगे, जमीनी स्तर पे वो चीज नहीं उतरेगी। बाकी चीजें उतर रही हो ना उतर रही हो इसको लेकर अलग डिबेट है, लेकिन फिलहाल के लिए जो गायों को लेकर सियासत हो रही है ये बहुत गलत है। 600 करोड़ से ज्यादा का अगर बजट आया तो वो कहां चला गया और सड़कों पर घूम रही गाय क्या उस चीज से वंचित क्यों रह गई? बड़ा सवाल है ये। पितपाल देखिए हिमांशु जी, हम लोग राजधानी में बैठे हुए हैं और राजधानी के अंदर का एग्जाम्पल आप दे रहे हजरतगंज का, जो दिल है हमारे प्रदेश का और लखनऊ का दिल है हजरतगंज, वहाँ पे गाय और छोटे जानवर मिलते हैं। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि भाजपा अपने किए वादों में फंस जाती है। अब भाजपा ने कहा कि मैं इस तरह अगर आऊँगी तो ये करूँगी, आऊँगी तो वो करूँगी, ये लारे लप्पे में फंसाई रहती है लोगों को। रही बात अब लोगों को, इन्होंने गाय के ऊपर चुनाव लड़ा और गाय जीतने के बाद अब गाय को कुछ तो करना ही था। विपक्ष सवाल पूछ रहा है? नहीं नहीं, इन्होंने वही विपक्ष तो हम लोग लगातार इस पे आंदोलित रहते हैं। कहाँ कितने हर जगह गाय को लेकर गाय टहल रही है। हम लोग व्यक्तिगत जो हमारे आम आदमी पार्टी, हम लोग जगह जगह पे इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं और बाकायदा जैसे कान्हापुर के लिए कहा, कान्हापुर हम लोग ने विजिट भी किया और डीएम को जाके ज्ञापन कई बार हम लोग दे चुके हैं। बात यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, विधानसभा में कितनी बार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा क्रिएट किया? देखिए विधानसभा में हम है नहीं अभी उत्तर प्रदेश, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, विपक्ष बात समझिए, यहाँ पे बात ये विपक्ष को जीने कहाँ देते हैं बताइए। जब विपक्ष को ये ना संसद में जीने दे रहे हैं या ना प्रदेशों में जीने दे रहे हैं, हवाई बातें हैं। इस बात को कोई किसी को बोलने से नहीं रोक सकता, वो सही बात बोलेगी तो जनता सुनेगी और जनता जब सुनेगी सही बात तो वोट भी सही करेगी। हिमांशु जी, पहले मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं और ये जमीनी मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे आप उठा रहे हैं, मगर प्रदेश में जीतने के बाद भाजपा का जो रूप रहता है ये आप सामने अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। देखिए आप कहीं प्लान लेते हो, हिंदुस्तान के अंदर आप जीएसटी लेके आए थे तो आपने कहा था वन टैक्स वन इंडिया वन टैक्स, उसके बाद आप यहाँ पे गाय के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग आपकी सोच है, नॉर्थ ईस्ट में अलग सोच है। अरे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय को यम्मी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में मम्मी कहते हैं।
अगर मम्मी कह रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर उसको मम्मी रखिए ना, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट, हिंदुस्तान के बाहर तो बांग्लादेश में तो है नहीं, वो हिंदुस्तान का अंग है। इनकी सोच सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे, ये वोट बैंक पे खाली अटैक करते हैं। आप अभी चले जाइए या कोई साथी वहां रहना हो, जौनपुर से आप रायबरेली के बीच में आ जाइए। मैं अभी चार दिन पहले उधर से निकला था भाई साहब, शाम के समय कौन सी गाय कौन आपकी गाड़ी से खड़ा है, तो फॉग इतना चल रहा है, गर्मी हो बरसात हो ठंड हो चल रही है, किसान बिचारा क्या तो करेगा, आवाज कौन उठाएगा, सत्ता सो रही है, इस मामले को लेकर सत्ता सो रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष आप, सो रहा है, विपक्ष को क्योंकि इससे वोट बैंक नहीं बन रहा है तो विपक्ष भी शांत बैठा हुआ है। भाजपा के पास पॉलिसी की बहुत बड़ी कमी है। आप एलोकेट तो कर दिया आपने बजट को, लगना कहां है, लगेगा तो जमीन पे, जब अफसर शाही आपके हाथ में नहीं है तो वो जमीन पे क्या काम करेगी। आपने 900 रुपए दे दिया प्रति पशु का, आपको ये सोचना चाहिए था कि उस किसान के लिए कुछ हम ऐसा करें कि किसान को लगे, जैसे भाई साहब ने कहा कि वो अगर दुधारू गाय है तो उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप जो ऐसे गांव जो भी सारे आवारे हैं उनको, उनके लिए वो मुसीबत बने हुए, उनके पास से उनको खिलाना पड़ा, तो वो बेचारा किसान क्या करेगा, जब उसको एमएसपी पे उसको पैदा किया हुआ अनाज नहीं बिक रहा है यहाँ पे, तो बेचारा गाय को रखेगा कहाँ से खिलाएगा। पूरी तरह भ्रष्ट है। ठीक है अरुण राजभर जी, आपको क्या लग रहा है कि सड़कों पर क्यों घूम रहे, इतना सारा बजट बावजूद इसके सड़कों पर गाय घूम रही है, और योगी जी कितने संवेदनशील है इस मामले को लेकर, ये भी हम लोग कई बार जो है तस्वीरें भी देख चुके हैं और उनके भाषण में इस चीज का जिक्र आता है तो हम समझते भी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गौ को लेकर के बहुत संवेदनशील रहती है, और इसी नाते 631 करोड़ अपने बजट में 19-20 में उन्होंने अलाट किया था, और इसमें 450 करोड़ उन्होंने दिया था सिर्फ गौशाला बनाने के लिए, और बाकी 145 करोड़ जो दिया था उनके चारे के लिए, उनको पानी की व्यवस्था करने के लिए, उनकी रख रखाव के लिए दिया था। लेकिन यहाँ हकीकत क्या है, देखिए सच्चाई यही है कि सरकारें बदलती हैं और सिस्टम नहीं बदलते हैं, और सिस्टम बदलने वाला व्यक्ति जब थोड़ा समझदार होता है, बुद्धिजीवी होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो वो सिस्टम को बदलता है। अब मंदिर में बैठने वाले व्यक्ति को ला करके सिंहासन में बैठा देंगे, कहेंगे कि तुम अफसर को सही समझा, तो वो नहीं कर सकते। नहीं, हिमांशु जी बात समझिए, जब मैं साथ में था तो सरकार के एक एक बिंदुओं पर मैं सरकार में रहकर आलोचना करता था। एक बयान दीजिए इस चीज, आप अपने चैनल पर, आप तक इतना पुराना रिकॉर्ड, आज गाय आज ही थोड़ी ना गाय, सुनिए इस गाय को लेकर के ही नहीं, हर मुद्दों पर हमने गाय का मुद्दा, हाँ बिल्कुल सही, गाय को ही लेकर के 75 जिलों में हम लोगों ने तहसील पर धरना दिया, क्योंकि जब गाँव में हम लोग जाते थे तो किसान हम लोगों से कहते थे कि हमारे गाय लोग जो भाजपा के गाय लोग छोड़े हुए हैं, ये हमारे खेतों में जो हम लोगों ने धान फसल लगाया उसको चल चार, हाँ ये भाजपा ही छोड़े हुए हैं ना, पहले क्यों नहीं गाय चलते, भाजपा कैसे गाय छोड़ सकती है, गाय की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, अब आप देखिए गाय बांध के सड़कों पे घुमा नहीं, अगर पहले क्यों नहीं इतनी संख्या में सड़क पर उतरते थे गाय, पहले आपने देखा था 2017 से पहले आपने कभी देखा, आज यहाँ से आप लखनऊ से चले जाइए सीतापुर, सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूरी सफर करने के बाद थोड़ी सी कुहेसा आपके सामने आ जाएगी, तो आप अगर सावधानी से गाड़ी नहीं लेके जाएंगे तो इनके सांड लोग आपके सामने टकरा जाएंगे। खैर वो विषय अलग है, सरकार ने सभी अफसरों को जिम्मेदारी दिया है। गाय क्या होता है, नहीं चाहे डीएम हो, गाय क्या होता भाई, सरकार इनकी है तो हम किसको कहेंगे, हमारी गाय है, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, नहीं हम सरकार भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, नहीं नहीं हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, हम गाय की रक्षा करने के लिए हम सरकार को हम जिम्मेदारी देते हैं, अगर पैसा जा रहा है तो चारा के अभाव में गाय क्यों मर रही है, चारा के अभाव में गाय क्यों मर रही है, पानी के अभाव में गाय क्यों मर रही है, सवाल ये जिम्मेदारी किससे पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार सवाल को खुद अपने अंदर पूछना नहीं चाहती है कि हम विपक्ष के लोगों के सवाल को अपने अंदर ले, विपक्ष विपक्ष मानते ही नहीं रहे सवाल, आज हकीकत यह है तो आज सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जितने इनके चिकित्सा अधिकारी हैं, आज जितना पैसा इस पे अलॉट हुआ है आप बताइए पैसा गया कहां, एक साल तीन साल सरकार बीत गई, पैसा गया कहां, ये हुई अफसरों के जेब में गया है, जो अफसर जो एकदम एजेंडा बना लिए थे कि सरकार पैसा अलॉट करेगी तो वो हम बुनियादी समस्याओं पर नहीं लगाएंगे, उसको लूट करके जेब भरेंगे, विधायक तो है ना कहीं आपके, बिल्कुल है, तो विधायक है वो विधानसभा में बोलते नहीं, आप बताइए विधानसभा में, तो हाँ ये बताइए मुझे, ये बताइए कि बोले कि नहीं बोले, आप ये बताइए, हम बता रहे हैं बोलने की बात, जब सदन में खड़ा होकर के कोई मुद्दे पर बोलना चाहता है, आप देखिएगा सदन की कार्रवाई, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और वहां के संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आप हमारी बात करना चाहते हो तो खड़े होकर के बोल सकते हो, लेकिन अगर मुद्दों की बात करने के लिए खड़े हो जाओगे तो हम बोलने नहीं देंगे, जैसा कि 200 विधायक
इनके पार्टी के, हमारे पार्टी के नहीं, हमारे पार्टी के तो विरोध कर ही रहे थे, इनके पार्टी के विधायक जनप्रतिनिधि थे, जनता की जवाबदेही थी, जब वो जवाबदेही से भागने गाय को लेकर बोल रहे थे तो फिर वो लोग सड़क उतरे, वो गाय को लेकर बोल रहे थे। एक विधायक गाय के लेकर थोड़ी ना, सारे विधायक की सामूहिक गाय को लेकर कौन विधायक बोला बताइए ना, बताइए वहीं तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं बोला है कौन विधायक, नहीं बोला है, बोले हैं गाय को लेकर, गाय को लेकर छोटे जानवरों पे, आप भी परेशान है गाय से, हम भी परेशान है गाय से, अधिकारी भी परेशान है गाय से, इस उत्तर प्रदेश की जनता भी परेशान थी गाय से, किसान भी परेशान थे गाय से। नहीं, जब गाय से परेशान नहीं थे, उनके सड़कों पे घूमने से दिक्कत है भाई, वो अगर भूखे मर रही है उससे दिक्कत है, गायों से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक्सीडेंट हो रहा है उनसे, हाँ ये दिक्कत की बात है, सही बात, जिम्मेदारी सरकार की होगी ना, सही, गाय को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी निर्देशित किया डीएम साहब को कि सभी गाय अगर सड़क पर घूम रही है तो गौशाला में स्टोर करो, गौशाला की कैपेसिटी आपने कितना बनाया, 20 की अगर कैपेसिटी है तो उसमें ले जाकर 50। चलिए ठीक है, सवाल कई हैं और इसको लेकर जो है तर्क वितर्क भी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई, सब शौचालय का आशीर्वाद है मिस्टर।